भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले युवाओं को प्रशिक्षित से प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं का मार्गदर्शन किया। इस 12वीं भारतीय छात्र संसद में संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना, इन्होंने युवा पीढ़ी की कार्य क्षमता बता के युवाओं को अपने भाषण से प्रेरित किया। मैं छात्रों के खास तौर से छात्रों से इस बारे में बात करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से इस MIT के द्वारा आपके खास तौर से डेमोक्रेसी में किसी न किसी रूप में आपकी हिस्सेदारी हो और आप मन से और मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हों, मजबूत हों, ये बहुत अच्छी पहल की गई है। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के बारे में विशेष रूप से कहा था कि शिक्षा का वास्तव में अर्थ किसी ज्ञान को एकत्र करना नहीं है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ है कि हम मेंटल अप्रोच को स्ट्रेंथन करें, बेहतर दृष्टिकोण दें, ताकि किसी भी समस्या से, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम उस मानसिक अप्रोच के माध्यम से तैयार रह सकें। महात्मा गांधी ने युवाओं के लिए मन व शरीर की पवित्रता पर बल दिया था तथा ये भी कहा था कि तराजू के एक पल्ले में यदि ज्ञान और पांडित्य रखा जाए तथा दूसरे पल्ले में साहित्य और पवित्रता को रखा जाए तो दूसरा पल्ला काफी झुका रहेगा। एक बहुत बड़े फिलासफर ने कहा था कि चरित्र के अभाव में ज्ञान बुराई को बढ़ाने वाली ताकत है। वास्तव में जो छात्र मन, शरीर और कार्य की पवित्रता की रक्षा नहीं कर सकते, उनका विद्यालय में कोई काम नहीं है। साधनों की पवित्रता पर कई महापुरुषों ने बल दिया है। अपने बेटे के स्कूल के प्राचार्य को इब्राहिम लिंकन ने एक पत्र के माध्यम से लिखा था कि उनके बेटे को उनके प्राचार्य क्या पढ़ाएं। उन्होंने लिखा था कि ये जरूर पढ़ाएं कि मेहनत की कमाई का एक डॉलर हराम की कमाई की गड्डियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मूल्यवान और उपयोगी होता है। बहनों और भाइयों, कन्फ्यूशियस जो एक चाइनीज विद्वान हुआ, उसने भी ये कहा था कि तीन चीजों को दुनिया में कभी दबाया नहीं जा सकता, एक सूरज, दूसरा चंद्रमा और तीसरा सत्य। सत्य निश्चित रूप से अगर हमारी जिंदगी का साधन है, हमारे आचार और व्यवहार में बसा है, तो उस व्यक्ति की कभी हार नहीं होती, ये हमारा भी मत है। मैं विशेष रूप से अपने छात्र मित्रों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिंदगी में किसी भी क्षण अगर कोई बुरा विचार मन में आए तो उसे उसी वक्त कुचल देना चाहिए। ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं कि अगर बुरा विचार मन में पलता है तो वो किसी न किसी रूप में हमारा रास्ता गलत करता है, उसका परिणाम भी गलत होता है। मैं एक प्रत्यक्ष रूप से एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, एक प्रत्यक्ष घटना का उदाहरण देंगे। एक प्रथम श्रेणी का छात्र गांव से शहर उच्च शिक्षा के लिए आया था। पहली मंजिल पर एक कमरा किराए पर लेकर अध्ययन कर रहा था। उस कमरे के बाहर लॉबी में अक्सर वो खड़ा होकर आसपास की गतिविधियों का आनंद लेता था। उसकी लॉबी के ठीक सामने ग्राउंड फ्लोर पर एक बूढ़ी महिला अपनी खिड़की से जरूरतमंदों को कीमती सामान गिरवी रखकर उनको मोटे ब्याज पर रुपया उधार देती थी। छात्र के मन में ये विचार आया कि इस महिला को कोई मार क्यों नहीं डालता, ये सबका खून चूसती है। ये विचार उसके मन में पलता रहा। जब भी वह अपनी लॉबी में खड़ा होकर उस बूढ़ी औरत को देखता था तो उसके मन में बार बार यही विचार कौनता था। एक दिन इस छात्र को भी रुपयों की आवश्यकता पड़ी। उसने भी अपना कीमती सामान गिरवी रखकर उस बूढ़ी औरत से रुपया लेना चाहा, परंतु वह बूढ़ी औरत महिला आवश्यकता अनुसार रुपये देने को तैयार नहीं हुई। वाद विवाद के बीच उस छात्र के ने
खिड़की के अंदर हाथ डालकर उस बूढ़ी महिला की गर्दन दबा दी और तब तक गर्दन दबाए रखी जब तक उसकी जान नहीं चली गई। आप समझ सकते हैं कि बुरे विचार का पलना हमारे लिए कितना घातक है। वो छात्र जो आया था गांव से शहर इसलिए कि करियर बनाएंगे, लेकिन बुरा विचार मन में पलने से उसको करियर के स्थान पर जेल मिली। बहनों और भाइयों, तीन बातें व्यक्ति को हमेशा प्रभावित करती है, एक माँ बाप के जीन्स, दूसरा ग्रह नक्षत्र और तीसरा माहौल वातावरण जिसमें हम जो हम मूव करते हैं। पहली दो चीज़ों को हम बदल नहीं सकते, ना हम माँ बाप के जीन्स बदल सकते हैं और ना हम ग्रह नक्षत्र बदल सकते हैं जिसमें हम पैदा हुए, लेकिन माहौल हमारे हाथ में है, सोसाइटी मूव करना हमारे हाथ में है। हमारा कौन रोल मॉडल है, किससे हम बेहतर तरीके से रोज़मर्रा में कुछ सीख सकते हैं, हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए। तो हम अपने नौजवान मित्रों से, छात्रों से ख़ास तौर से कहना चाहते हैं कि इस दिशा में ज़रूर सोचें, कि हम बार बार सोचें कि हमारी सोसाइटी कैसी हो। एक उदाहरण विशेष रूप से हम इस समय ज़रूर देने देंगे, एक जापान की धरती पर एक भारतीय युवक का जापान की एक महिला से, उसकी हम उम्र महिला से प्रेम प्रसंग हो गया और प्रेम प्रसंग इस सीमा तक बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे को लाइफ पार्टनर बनाना तय कर लिया। वो महिला एक सरकारी कार्यालय में ड्यूटी करती थी, नौकरी करती थी। उस पुरुष ने, उस युवक ने ये विचार व्यक्त किया कि हम अपने माता पिता को भी साथ में लेकर आएंगे शादी के वक्त। टोक्यो से दिल्ली तक का कार्यक्रम बन गया। उस युवक ने यह इच्छा व्यक्त की कि वो उसकी प्रेमिका उसको एयरपोर्ट पर सी ऑफ करे, लेकिन उस महिला ने उसके लिए अनिच्छा व्यक्त की, लेकिन फिर भी बार बार उसके कहने पर उसने राजी भी हुई और उसके बाद वो अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर उसको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। दोनों ने हंसी खुशी एक दूसरे को विदा किया। चलते वक्त उस महिला ने एक पत्र अपने उस प्रेमी को थमा दिया जिसकी वो लाइफ पार्टनर होने जा रही थी। उसमें पत्र में लिखा था कि आज तुमने छोटी सी बात के लिए हमको एक नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया, कल को तुम किसी और बात के लिए मजबूर करोगे जो हमारी ड्यूटी मुझको छोड़ना पड़े, इसलिए हमने तुमसे शादी न करने का फैसला किया है। आप समझ सकते हैं कि ये साहस कौन कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि जो हमको अपनी ड्यूटी के प्रति पाबंदी और ड्यूटी के प्रति आस्था को बताता है। एक बात विशेष रूप से अपने छात्र मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि हमको किसी भी तरीके से पश्चिम के मुकाबले में अपने आप को कभी भी इन्फीरियर नहीं महसूस करना चाहिए। भारत की शानदार परंपराएं हैं, भारत ने शानदार विरासत दी है। अगर देखें तो दुनिया को अर्थशास्त्र हमने दिया, कौटिल्य ने दिया, आज 0 से 9 तक के अंक हमने दिए। चाहे ब्रिटानिका का इंसाइक्लोपीडिया देख लें, उसमें भी इस बात का अच्छे तरीके से इंदराज है। योग हमारी व्यथा है, हमारी व्यवस्था है, पातंजलि ने दिया, पातंजलि भारतीय थे, और व्याकरण पांडनी ने दी। ये हमारी शानदार विरासत है। और जहां तक जिस धरती पर खड़े होकर हम बोल रहे हैं, इस धरती ने भी बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया। यहां तक कि शिवाजी से लेकर और संभाजी तक क्या क्या अत्याचार नहीं सहे, एक शानदार विरासत, कुर्बानी की विरासत। हम यहां से लेकर और दिल्ली तक हमको याद दिलाता है गुरुद्वारा शीशगंज, जो औरंगजेब के जमाने में जितने अत्याचार हो सकते थे, जिनकी हम सोच सकते थे, वो अत्याचार हम सबको दिए गए। लेकिन धर्म के मामले में हो, फर्ज के मामले में हो, हम कभी कट गए, मर गए, लेकिन झुके नहीं। एक हमें इतनी शानदार विरासत मिली है, इस विरासत को हमको संजो कर रखना है। बहनों और भाइयों, जैसे हम अपना करियर तय करते हैं, डॉक्टर का, इंजीनियर का, आईएएस बनने का या पुलिस अधीक्षक बनने का, उसी तरीके से हमको ये भी तय करना चाहिए कि हमको एक राजनीतिक बनना है, एक राजनीतिक सेवक बन के इस देश की सेवा करनी है। अगर हम ये शुरू से तय करेंगे, इसके पहले कि तुम्हारी कनपट्टी पे सफेदी झलके, आपको ये तय करना चाहिए कि हमको एक पॉलिटिकल वर्कर बन के इस देश की सेवा करनी है, हम निश्चित रूप से
इस बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं, अगर आप लोग पहले से तय नहीं करेंगे, निश्चित रूप से अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण होकर पूरे मनोभाव से अगर समर्पित भावना से काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए मित्रों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आदमी को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, हमेशा पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी किस्मत से न नूरी है न नारी है। और गीता के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक यही कहता है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इसका भावार्थ यह है कि हम किसी भी काम को करने के लिए पांच चीजों की जरूरत है, स्थान, कर्ता, चेष्टाएं और उपकरण, तब कहीं जाके ईश्वर अल्लाह खुदा गाड जिसको हम मानते हैं उसकी कृपा चाहिए।